सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेंटर पॉइंट गेमर पर। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि फ्री फायर के फुल स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर नॉच स्क्रीन वाला साइड जो है वो पूरा भरा हुआ है, मतलब ब्लैक कलर का है। और यहां पर बैक बटन का जो साइड रहता है वो भी बहुत ही अलग है, मतलब कि पूरा भरा हुआ है। तो वैसे में गाइस, डिस्प्ले का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्री फायर के फुल स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर गाइस आपके साथ भी फ्री फायर में फुल स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। सो लेट्स गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस हम वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्री फायर के फुल स्क्रीन डिस्प्ले प्रॉब्लम में कौन कौन से प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर जो नॉच वाला एरिया है, मतलब कि हमारे फ़ोन का जो नॉच वाला कैमरा है, वहाँ का एंगल जो है, मतलब वहाँ का जो सरफेस है वो कटा हुआ है, मतलब कि फ्री फायर का जो डिस्प्ले रहेगा वो कट जाएगा, मतलब कैमरा के साइड से वो कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम होता है। जो कैमरा के साइड का स्क्रीन रहता है वो छोटा सा कट जाएगा, जितना बड़ा कैमरा है बस उतना ही कट जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम इस टाइप से फेस करना पड़ता है। और हमारा दूसरा प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से होता है, जैसा कि हमारा कैमरा देख सकते हो, ये जो नॉच वाला कैमरा है ये कटा हुआ नहीं है, मतलब पहले वाला में कट गया था स्क्रीन, लेकिन ये कटा हुआ नहीं है। ये नॉच एरिया का जो पूरा, मतलब उस साइड का भाग है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब कि इस साइड दिखा रहा है जो कैमरे के सीधे में जितने भी स्क्रीन है उसको पूरा ब्लैक कर दिया गया है। तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से आपको फेस करना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं फ्री फायर के फुल स्क्रीन के तीसरे प्रॉब्लम के बारे में। तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम आपको कुछ इस टाइप से फेस पड़ सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फोन का जो बैक बटन का साइड रहता है, मतलब नीचे वाला भाग रहता है, पहले तो मैं आपको कैमरा वाला बता दिया, अब यहाँ पर नीचे, मतलब पहले के टाइम में जो बैक बटन देते थे उस जगह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन में दिख रहा होगा फ्री फायर का, इधर को आपको, मतलब इधर का मतलब खाली कर दिया गया है, जो भी बटन था उसको साइड कर दिया गया है, एक तरीके से आप इसको भी बोल सकते हो ब्लैक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता, जो भी यहाँ पर मतलब इवेंट वगैरह के ऑप्शन रहते हैं वो उस साइड कर दिया गया है। तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से होता है। अभी जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आखिर फ्री फायर को फुल स्क्रीन में करना तो करना कैसे है। तो अभी गाइस हम जानते हैं तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। तो मैं आपको एकदम छोटा सा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिससे तीनों प्रॉब्लम बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए, आपको यहां पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको यहां पर अपने फोन के होम में आ जाना है, फ्री फायर को लॉन्ग प्रेस करना, यहां पर आपको पता ही होगा एप इन्फो का ऑप्शन आ जाता है, एप इन्फो में सिंपल से चले जाना, यहां पर आपको नॉच स्क्रीन वाला ऑप्शन दिख जाएगा। जैसा कि यहां पर देख सकते हो, मेरा जो फोन है वो रियलमी का है, तो आपके फोन अगर सैमसंग का होगा या फिर रेडमी वगैरह कुछ भी होगा तो आपको यहीं पर लॉन्ग प्रेस करना है, एप इन्फो में आना है और ये ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो डिस्प्ले के ऑप्शन में चले जाना यहीं से। अगर ऐसे में भी नहीं मिल रहा है, अगर आपका फोन कुछ दूसरा कंपनी का है तो आपको सिंपल से फोन के सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करना है, यहाँ पर डिस्प्ले में चले जाना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसमें नॉच एरिया का जो भी मतलब रहता है फंक्शन, आपको यहाँ पर आके नॉच स्क्रीन वाला जो सेटिंग है इसको ऑफ कर देना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि इसको ऑफ करने के बाद क्या होता है। तो फ्री फायर में वापस चले जाते हैं। अभी देखिए, जो नॉच स्क्रीन वाला जो मतलब कैमरा था नॉच वाला, तो वहाँ पर पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब आप इसको दो टाइप से रख सकते हो, पहला तो आप इसको कटा हुआ रख सकते हो और दूसरा उधर का जो मतलब पूरा एरिया है वो ब्लैक कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप कौन सा रखना चाहते हो। मैं अगर बात करूँ तो मैं तो यहाँ पर ब्लैक वाला रखता हूँ, क्योंकि यार देखो, अगर कैमरा का साइड का जो कट गया है ना, तो वैसे में कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे कुछ इवेंट ओपन करना रहता है तो वहाँ का जो ऑप्शन है वो कट जाएगा, या फिर कुछ भी मतलब वहाँ का जो एरिया है वो कट जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर ब्लैक रहता है तो साइड में दिखा देता है, वैसे भी छोटा सा ही कटता है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो आपकी मर्जी, मैं जो है इसमें ब्लैक वाला यूज़ करता हूँ, तो आप चाहो तो यहाँ पर ब्लैक वाला यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इसको ऑफ कर देना है। अब देखिए, जानते हैं जो बैक बटन का साइड होता है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आपको फ्री फायर के सेटिंग में रहना है, यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है, फिर देखिए यहाँ पर आपको नॉच स्क्रीन वाला मिल जाएगा, आपको सिंपल से इसको ऑफ कर देना है। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हो जो फ्री फायर के अंदर दिया रहता है डिस्प्ले वाला, तो वैसे में गाइस जो बैक बटन का साइड रहता है वहाँ पर थोड़ा दूर हो जाता है, मतलब स्क्रीन थोड़ा दूर हो जाएगा, एग्जैक्टली आप समझ लो कि ब्लैक हो जाएगा, वैसे ब्लैक नहीं होता, लेकिन जो ऑप्शन है वो दूर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा दूर शो होने लगता है। तो वैसे में आप इसको अगर ऑफ कर देते हो तो फुल हो जाएगा, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगा। और इस सेटिंग का मेन मतलब ये होता है कि ऑप्शन जो है वो एकदम किनारे में रहता है, तो उसको बीच पर लाने के लिए फ्री फायर सेटिंग को दिया है कि आपका फिंगर अगर बड़ा है तो वहाँ पर टैप करने में दिक्कत होती है,
तो आप इसको ऑन कर सकते हो, जिससे जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब दूर में हो जाएगा, एकदम किनारे में नहीं रहेगा। तो आप इसको अगर फुल करना चाहते हो तो सिंपल से इसको ऑफ कर देना, फिर कैसे आपको फ्री फायर से रिस्टार्ट कर देना है, मतलब कि फ्री फायर को बंद करना है फिर चालू कर देना है, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे आप फ्री फायर के तीनों फुल स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर कैसे आपका फ्री फायर का फुल स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। सो लेट्स गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।